साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे भाई बात करेंगे। कंट्रोवर्सी वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी का सोशल मीडिया पे बैठ के किसी के खिलाफ बोलता भी हूं तो बहुत कम चांस में, पहली बात तो बोलता भी नहीं हूं, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि किसी के खिलाफ बोलना चाहिए अगेंस्ट में। लेकिन एक अभी एक वीडियो मैंने देखा था रिसेंटली, कल की डेट में, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट साथ में डालूंगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने अपडेट दी है कि गरीब भारतीयों के लिए, गरीब भारतीय मर रहे हैं विदेशों में। अरे तो भाई पाकिस्तान कौन सा अमेरिका बन गया इतने दिनों में, लॉकडाउन के दौरान ये इतनी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ गई यार। मेरे वीडियो पाकिस्तानी लोग भी देखते हैं, पाकिस्तानी भाई जानकारी लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यार ये कंट्रोवर्सी वाले वीडियो बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे वर्ड लिखने की जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फिर नीचे जाके आपको कमेंट करें, अच्छी बात है क्या? मुझे नहीं लगता कि आप जो ये कर रहे हो कि गरीब भारतीय विदेशों में भूखे मर रहे हैं, तो यार पाकिस्तान से तो मेरे हिसाब से डबल, ज़्यादा तो छोड़ दो, बड़ी बातें आकाश वाली बात नहीं करूँगा। दुबई की वीडियो आपने डाला था, दुबई में पाकिस्तानी रुपीज़ कितना बनता है, 1 का 44, इंडिया का तो 20 ही बनता है, तो आपके हिसाब से तो डबल कितना, डबल तो स्ट्रॉन्ग है ना इंडिया। तो पहली दूसरी बात मैं बता दूँ, भूखे कौन मरता है भाई आजकल के दुनिया में? जो इंसान ने जन्म लिया ना, वो भूख नहीं मर सकता, कहीं ना कहीं से जिसने चोंच दी है उसको चुगा भी मिलता है, समझ गए बात को? दुबई गवर्नमेंट ने, आपने बोला जो बैठे हैं विदेशों में, भाई मुझे नहीं लगता कि लोग भूख मर रहे हैं, लेकिन आपने पता नहीं ये कैसे वर्ड लिख के डाल दिया ताकि इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो वीडियो को वॉच करेंगे, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा चैनल। क्या मतलब होता है इन बातों का? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपने तो लिख दिया कि इंडियन पीएम को सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, भारतीय लोग यहाँ पे भूख मर रहे हैं, जबकि आपने दुबई से वीडियो डाला है। मुझे लगता है आप दुबई में बैठे होंगे, इंडिया के 40 लाख के करीब वर्कर हैं, तो पाकिस्तान के भी तो 30 लाख है ना पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया 125 करोड़ से प्लस लोग बैठे हैं, दुबई पाकिस्तान के तो यार कितने हैं, टोटली 30 करोड़ बंदे हैं, 23 करोड़ 24 करोड़ बंदे हैं, उसमें से 30 लाख वर्कर दुबई में बैठे हैं, तो पाकिस्तान के लोग ज़्यादा भूख मरेंगे या इंडिया वाले भूख मरेंगे? इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट इनको लेके नहीं जाती, आपको क्या लगता है संभव है लॉकडाउन के दौरान? इतना भयंकर लॉकडाउन चल रहा है, 40 लाख आदमी तो दुबई में बैठे हैं, बाकी 4 करोड़ से ऊपर मेरे हिसाब से ऑल वर्ल्ड में हैं, तो आपको क्या लगता है रिकवर कर लेगी गवर्नमेंट? भारत में मैं बता दूं, जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक इंडियन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिन्होंने लगभग कंट्रियों से अपने बंदों को वापस लेके आई है। चाइना से सबसे पहले शुरुआत चाइना से करी, इराक से करी, ईरान से करी, कहां कहां से हमारे बंदों को उठा के नहीं लाई। लॉकडाउन हो गया, मेट्रो स्टॉप हो गया, थोड़ा बहुत सोचिए। आपकी कंडीशन मैं बता दूँ, आपकी आज की लेटेस्ट न्यूज़ आई है, मैं सुना देता हूँ आपको भाई। आप इंडियन को तो गरीब बोलते हो, पाकिस्तानी वाले पैसे वाले हो गए, जो लंदन में पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी गरीब ही है, समझ रहे हो बात को? इसकी स्थिति देखो, मैं सुन लो, पाक अमीरों को लंदन से लाया विशेष विमान, गरीबों को छोड़ा, सुन लीजिए मेरी बात। सीटें खाली थी पर तर्क दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, इस्लामाबाद एजेंसी, आज की न्यूज़ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट लंदन से करीब 150 खास लोगों को लेकर इस्लामाबाद आई, जबकि 400 आम लोग ब्रिटेन में अभी भी फंसे हैं, उनके पास देश लौटने का कोई साधन नहीं है। बताया जा रहा है कि विशेष फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए सीटें खाली छोड़ दी गई थी। पाकिस्तान की जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के एक मंत्री का परिवार और करीब 150 खास लोग लंदन जल्द से जल्द पाकिस्तान लौटना चाहते थे, इसलिए विशेष विमान का इंतजाम किया गया। बाकी फंसे लोगों को लाने की कोशिश नहीं की जा रही है क्योंकि उनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के उच्चायोग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एयरलाइंस को फंसे हुए लोगों की लिस्ट दी थी, फिर उन लोगों के नाम उसमें जोड़े गए थे जिनके पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय एयरलाइंस के हेड ऑफिस की ओर से सिफारिश की गई थी। इस फ्लाइट में किसी भी तरह जगह बनाने में सफल हुए दो आम नागरिकों ने बताया, उन्होंने भी मंत्री स्तर पर सिफारिश करवाई, उसके बाद ही उनके सफ़र की शुरुआत हो सकी। भाई ये देख लीजिए, आपके तो लंदन में बैठे भी गरीब हो जाते हैं, ठीक है, गरीब लंदन में कौन जाता है भाई, पैसे वाले बंदे, वीज़ा का लगता है 1 लाख रुपये के करीब, और दुबई में जो मजदूर आदमी बेचारे कमाने के लिए जाते हैं वो आपको गरीब दिख रहे हैं, लंदन में जो करोड़पति आपके पाकिस्तानी दिख रहे हैं वो तो पैसे वाले हैं। यानी आपकी गवर्नमेंट की देखिए स्थिति, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की आप टेंशन ना लें,
समझ गए बात को, इंडियन गवर्नमेंट जो करेगी वो अच्छा करेगी। लॉकडाउन होने से पहले इंडिया, जब चाइना में वायरस आया था ना, जब स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे लोग मर रहे थे, आपके पाकिस्तान ने क्या, आपने, आपको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हालत हुई थी, आपकी सरकार ने बुलाया उनको, आपके जो छात्र थे वहाँ पे पढ़ रहे थे, कैसे 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 उन्होंने वीडियो बना बना के डाले, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं करी ना, 200-150 लोगों की सुनवाई नहीं करी। भाई क्या बात करते हो आप, हमारे सरकार तुरंत वहाँ से उठा के ले आई, सीधा फ्लाइट गया उठा के लेके आया, और इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बोला अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोले तो हम उनको लेके आते हैं। ये तो गूगल पे अखबारों में सब जगह पड़ी है बातें। तो भाई ये कंट्रोवर्सी वीडियो मत बनाया करो, अगर हम भी बनाने लगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका रीज़न बता दूँ, मैं जो जानकारी ले बनाता हूँ, दुबई में बैठे पाकिस्तान में बैठे मुझे भी लोग देखते हैं, मुझे भी लोग फॉलो करते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ मैं गलत बोलूँ, लेकिन ये वीडियो आपने डाला, गरीब भारतीयों की गवर्नमेंट सुनाई नहीं कर रही है, पाकिस्तान तो करोड़पति बन गया, वो तो अमेरिका बन गया अभी एक महीने के दौरान, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी देनी जरूरी समझी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।